आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से है, क्या होगी? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। पिता की और पुत्र की आयु का योग है ना, पिता की और पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। अगर मान लो पिता की x मानी, मान लो आपने, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x हो जाएगी, ठीक है? यही हो जाएगी ना, 45 माइनस x। अब आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का कितना गुना था? 4 गुना था, ठीक है? 45 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 40। 40 माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर में क्या है? एक्स माइनस 5 और इंटो में क्या है? 4, और गुणा में क्या है? एक्स माइनस 5, ठीक है, ये काट दो आप इसमें से, बराबर में कट जाता है ऐसे, और माइनस एक्स बराबर, ये 40 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 36 हो जाएगा बचेगा। माइनस एक्स बराबर 36, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 36 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 36 आ गई, तो ये तो पिता की आ गई, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? दोनों के 45 थी, तो मतलब पुत्र की 9 बचेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? पुत्र की कितनी आ जाएगी? 9 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल का 17वां क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? देखो, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है? तिगुनी है, 3:1। और राम की आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। पिता की आयु की कितनी है? 2/5। तो पिता की आयु की 2/5, तो 2 इधर और 5 इधर चल जाता है। इसका मतलब आता है कि राम की आयु कितनी है? 2 होगी, और पिता की आयु क्या होगी? 5। राम की आयु कितनी है? 2 है, और पिता की आयु कितनी है? 5, ठीक। तो इसमें राम और पुत्र और राम का अनुपात आ जाता है कितना? बदल दो इसको, 1:3 आ जाएगा। और राम और पिता का कितना है? राम और पिता का कितना है? 2:5। दोनों को गुणा करो 15, इन दोनों को गुणा करो 2, इन दोनों को गुणा करो 6। तो इसका मतलब 2:6:15 इनका आ जाएगा तीनों का। ये तो पुत्र का आ गया, ये राम का आ गया, और ये पिता का आ गया। तीनों की आयु कितनी है? 15, 6, 21 और 23, और उनकी दे रखी है औसत उम्र 46। तो औसत उम्र तीनों की 46, तो मतलब 3 से और गुणा करेंगे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो 2 × 3, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है, 6, 1 की वैल्यू 6। तो पिता की राम की कितनी है? राम की आ जाएगी, राम का अनुपात 6 × 15, 6, 90, ठीक। पिता की कितनी है? पिता का उम्र कितना है? 15, 6×36, 6 है इसका अनुपात, 6×36, और पिता का कितना है? 15, 15×6, 90। दोनों की आयु में अंतर कितने का है? अंतर डिफरेंस 90 - 36, आंसर आ जाएगा 54 वर्ष, ठीक, यही इसका आंसर है। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 आर एस अग्रवाल से, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या थी?
चार गुनी थी, एक साल पहले थी महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से। तो महिला की आयु यहां लिखेंगे अपन, और उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी मान सकते हैं आप, एक्स मान सकते हैं, और महिला की कितनी है, चार गुना थी, चार एक्स। ये एक वर्ष पहले थी, क्या थी ये, एक वर्ष पूर्व। अब सुनो आप, एक वर्ष पूर्व मतलब ये आयु थी कितनी गुनी थी, तो एक साल इसमें जोड़ेंगे ना वर्तमान के लिए, ये आ जाएगी वर्तमान उम्र। ये क्या जाएगी इनकी, अब वर्तमान उम्र आ गई है। अब आगे क्या कह रहा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से पढ़ो। देखो छह वर्ष बाद चार एक्स प्लस एक, दोनों में छह जोड़ेंगे, और एक्स प्लस एक प्लस छह, छह वर्ष बाद क्या कह रहा है आगे, छह वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से पांच वर्ष अधिक है ना, तो इसको दुगने से गुना कर देंगे और इसको पांच ऐड कर देंगे, तो चार एक्स प्लस में छह और एक सात बराबर एक्स प्लस में सात, और दो से गुना करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा, दो एक्स प्लस में ये दुगना हो जाएगा, दो एक्स प्लस में छह और एक सात दुनी चौदह, और पांच और ऐड कर देंगे इसमें तो दो एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, उन्नीस, और ये है चार एक्स प्लस में सात। चार एक्स और दो एक्स का अंतर कितना है, दो एक्स, सात और उन्नीस का अंतर कितना है, बारह। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छः आ जाएगी। तो इनकी उम्र का अनुपात चार, छः चौक चौबीस और एक पच्चीस, और पुत्र की आ जाएगी छः और एक सात, तो पच्चीस अनुपात सात, महिला और पुत्र दोनों की आयु का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, पच्चीस अनुपात सात। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आर एस अग्रवाल का 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कितनी है, एक तिहाई है, पिता की आयु की एक तिहाई। तो देखो एक तो कौन है, पिता है, और कौन है, पुत्र होगा इसका, लड़का मतलब, ठीक है। पिता की आयु अगर तीन है ना, तो इसकी आयु कितनी है, एक। एक तिहाई का मतलब होता है नीचे वाली पिता की और ऊपर वाली पुत्र की, ठीक है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो अनुपात आ गया तीन अनुपात एक। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की क्या है, आधी है। तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मतलब 12 आफ्टर, ठीक है, पिता की आयु की क्या है, आधी है। इसका मतलब पिता की आयु की आधी है, पिता की अगर दो है ना, तो पुत्र की कितनी हो गई, एक हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, तीन एकम तीन, दो एकम दो, तीन में से दो गए एक, नीचे लिखते हैं, और दो में से एक गया एक, इसको यहां लिखते हैं गुणा में, हम इसको क्या कर देते हैं, बारह। तो ये मान किसका जाएगा, एक्स का आ जाता है, एक्स का मान बारह वर्ष आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है इस सवाल में, बताओ, हमसे पूछा है इसमें लड़के की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु देखो एक है, यहां पर एक को बारह से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा पुत्र के लिए, एक को हम किससे गुणा कर देंगे, बारह से, तो बारह वर्ष किसकी उम्र आ जाएगी, पुत्र की आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से एक सही एक बटा चार गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की एक बटा दस गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो हमसे इसमें पुत्र की आयु पूछिए, किसकी आयु पूछिए, पुत्र की। बात को आपको ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमको पिता की जो उम्र आएगी ना, जो पिता की उम्र आएगी, उस पिता की उम्र का एक बटा दस गुना जो आएगी ना, वो किसकी आ जाएगी, वो पुत्र की आ जाएगी। तो हमें पता लग गया इसमें, जो पिता की आएगी ना, पुत्र का अभी तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पिता की आएगी ना, उसका एक बटा दस जो आएगा ना, जैसे मान लो सौ वर्ष आ गई, तो इसकी दस, एक बटा दस कितना होगा, दस वर्ष पुत्र की आ जाएगी।
तो हमें बात किसके किसकी करनी है, सिर्फ पिता की बात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप इसको। एका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। एका विवाह कब हुआ था? तो देखो विवाह की जो है ना, विवाह जब हुआ था ना उसकी उम्र हमने मान ली कितनी थी, कितनी थी बताओ, एक्स वर्ष। क्या थी? विवाह के समय की आयु। विवाह के समय आयु कितनी थी? विवाह के समय आयु कितनी थी बताओ? विवाह के समय आयु मान लो x वर्ष थी। और विवाह कब हुआ था उसका? 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, उसने कह रखा है क्वेश्चन में एक का विवाह तो 6 साल पहले हुआ है, तो विवाह के समय उसकी उम्र जो थी ना वो x वर्ष थी। आपको मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं। आप ध्यान से सुनना इस बात को, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो आज मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो विवाह के समय आयु इसकी एक्स थी, तो विवाह इसका 6 वर्ष पहले हुआ था, तो आज इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र क्या जाएगी बताओ? वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस में 6 हो जाएगी। आप बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? विवाह के समय आयु कितनी थी? एक्स वर्ष। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बताओ ना? वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। आगे क्या कह रहा है पढ़ो। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब उसकी जो उम्र है ना, उसकी आयु विवाह के समय की आयु तो कितनी थी? x थी ना, और उससे कितनी गुना है? 1/4 गुना है। तो 4 × 4 = 5/4 आ जाएगी। ठीक है, और x से और गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी उम्र जो है ना ये भी आ रही है 5x/4। ये भी क्या आ रही है? इसकी वर्तमान उम्र आ रही है। ये भी वर्तमान उम्र और ये भी, दोनों ही वर्तमान उम्र है ना, इक्वल कर सकते हैं दोनों को। x प्लस 6 = 5x/4 में कितना है? 4। 4 को x से गुणा करेंगे 4x, और 4 × 6 = 24 बराबर क्या जाएगा? 5x। 4x इधर को जाएगा, 5x में से घट जाएगा, तो x ही बचेगा खाली, और 24 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? मतलब विवाह के समय तो इसकी उम्र 24 थी, वर्तमान उम्र क्या जाएगी इसकी? देखो वर्तमान उम्र कितनी जाएगी? वर्तमान उम्र इसकी कितनी जाएगी बताओ? विवाह के समय तो x मानी थी ना, x का मान 24, अगर 6 ऐड कर देंगे तो 30 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। और पिता की उम्र अगर 30 आ गई तो 1/10 का कितना होता है पुत्र की आयु का बताओ? 3 वर्ष। 3 वर्ष, तो पुत्र की उम्र जो आएगी ना वो कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष आ जाएगी। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। अब भी समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये कह रहा है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की क्या है? तिगुनी है। जो सुशील की आयु है ना वो स्नेहल की आयु से क्या है? स्नेहल की आयु की तिगुनी है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? स्नेहल की आयु की तिगुनी है। तो सुशील की आयु, सुशील लिखेंगे यहां पर, और फिर क्या लिखेंगे? स्नेहल लिखेंगे। तो सुशील की आयु की क्या है? तिगुनी है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे। सुशील की आयु है ना, तो स्नेहल की तिगुनी है, मतलब क्लियर है ना? आगे क्या करेंगे, कितने वर्ष पहले है? 6 वर्ष पूर्व। और आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद किसकी आयु, किसकी आयु?
सुशील की आयु स्नेहल की आयु की आयु का 5/3 गुना होगा। स्नेहल की आयु का कितना होगा? 5/3। आप यहां पर 15 मान लो, और 15 का 5/3 कितना होता है? 25 होता है कि नहीं होता बताओ। ठीक है, अगर आप स्नेहल की 15 मानते हैं तो इसने सुशील की कितनी हो जाएगी? क्योंकि 15 का 5/3 मतलब ऐसा नंबर मानो जो इस 3 से कट जाए नीचे वाले से। तो 15 मान लो, 9 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 मानोगे ना यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 से कट जाना चाहिए। 3 से जब इसको काटेंगे तो 5, 15, 25, तो मतलब कि सुशील की 25 होगी। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? अब इस अनुपात को अपन काट सकते हैं, 25 और 5 6 15। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये 3:1 आ जाएगा अनुपात, इसका आ जाएगा 5:3। 3 3 9 और 5 1 5। 9 में से 5 के 4 नीचे लिखते हैं, और 5 में से 3 के 2 ऊपर लिखते हैं, और गुणा में 6 और 6 12 यहां लिखेंगे। तो आप x का मान निकाल सकते हैं, 4 3 12 और 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 6 जोड़ देंगे हम, क्योंकि 6 साल पहले का उम्र तो वर्तमान तो 24 आ जाएगी। और 3 2 6 6 1 6 6 में 6 ऐड और करेंगे तो कितनी जाएगी इसकी उम्र? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष किसकी आ जाएगी? स्नेहल की। और 18 से 24 वर्ष किसकी आ जाएगी? सुशील की। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।